कबीर, तो मैं साइंस प्रोजेक्ट कर दूंगी। वो जिस आदमी को मैंने काम पे लगाया था, जब से उसे नोबेल प्राइज मिला है, उसने मेरे फोन कॉल उठाने बंद कर दिए हैं। सॉरी रानी, लेकिन मेरे पास बहुत होमवर्क है और मेरे पास बहुत सारे पैसे और मेरे पास बहुत सारा टाइम। जल्दी कर देना। दिस इज नॉट फेयर कबीर, मुझे भी साइंस प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए। लेकिन बिनी, तुम्हें साइंस में हेल्प क्यों चाहिए? तुम तो साइंस में अच्छी हो ना? अच्छी हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ी पीछे रह गई हूँ। अगर किसी पढ़ाकू की हेल्प मिल जाएगी तो मैं वापस आगे आ सकती हूँ। वैसे इस बार मेरा प्रोजेक्ट वायर्स की लपेट के बारे में है। वाओ, इंटरेस्टिंग। लेकिन सॉरी, नो टाइम। तुम्हें वो म्यूजिक पसंद है ना, जो ना इधर का है ना उधर का? अगर तुम्हारा मतलब फ्यूजन है तो हाँ। हाँ, तो रानी ने ना मुझे पूरब पश्चिम बैंड के टिकट्स दिए हैं, जो तुम्हारे हो सकते हैं। पूरब पश्चिम, वो तो फ्यूजन के बाप है। अब ये पढ़ाकू आपकी सेवा में हाजिर है। तो प्रीति जी, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे साथ आपका पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक नया वाला बना दिया है और इसमें सब कुछ लिख दिया है। आपको बस ये लाल और नीले निशानों पर साइन करना है बस। और ये हरे वाले पर भी? हरा हरा, ये पालक है, मेरा लंच। साफ कर देता हूँ, ये लीजिए पेन। वैसे मानसिंह जी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक बार पढ़ा भी नहीं है। पढ़ने की क्या जरूरत है, लाल और नीला निशान देखिए और उस पर साइन कीजिए। सिंपल। मॉम, मेरे कान में च्युइंग गम। और दिमाग में फुसकी बम। करण, अब जाओ यहां से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। मानसिंह जी और मैं मेरे नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन क्या कर रहे थे, बस आप साइन कर रही थी। मॉम, क्या इसमें 3 साल की गारंटी है? लिखा तो नहीं है। निशान, लाल निशान देखकर साइन कीजिए। क्या आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ेगी? मैं हूँ तो मेकअप अलाउंस मांगता। मॉम, आपकी उम्र बढ़ रही है, भूलो मत। सही कहा, मेकअप अलाउंस के बारे में, मेरी बढ़ती हुई उम्र के बारे में नहीं। देखो करण, ये बड़ों का मामला है, बच्चे। वैसे इस बच्चे ने तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई हैं मानसिंह जी, अब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक बार पढ़ना चाहूंगी। जी, आप करण की बात सुनेंगी? हाँ, और आपको भी मानना पड़ेगा, मेरा करण है बहुत होशियार। खबरदार, च्युइंग गम मॉन्स्टर आ रहा है। कबीर, तुम्हें मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दिया? रानी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगा, प्रोजेक्ट तो तुम्हें ही बनाना है। तुम्हें और पैसे चाहिए? रानी, तुम पैसों से मेरा मन बदल नहीं सकती। क्या बात कर रही हूँ, पैसों से मैं तुम्हारा मन खरीद भी सकती हूँ। ये सब छोड़ो, क्या तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोचा? नहीं। तो क्यों ना तुम जीन्स प्लेसिंग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करो। ये मैं कर सकती हूँ, जींस में छेद करना कौन सी बड़ी बात है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कबीर, तुम्हें जल्दी करना होगा, मुझे प्रिंसेस को पार्लर से पिकअप करने जाना है, टाइम नहीं है। टाइम? गुड आइडिया रानी। थैंक्स कबीर। लेकिन मेरा आइडिया क्या है? हम घड़ी बनाएंगे, आलू की घड़ी। आलू की कड़ी? कड़ी नहीं, घड़ी, जो टाइम बताती है। ओह, लेकिन आलू का टाइम से क्या लेना देना? पर वो कड़ी वाला आइडिया बहुत अच्छा है। आलू ही क्लॉक को पावर करेगा। हम कॉपर और जिंक दोनों को यूज करके दोनों मेटल्स के बीच के केमिकल रिएक्शन को फ्यूज करेंगे और आलू की एनर्जी उसे करंट बना देगी। आलू इज इक्वल टू बैटरी। ओह, कबीर इक्वल्स टू स्मार्ट। नो नो नो, हम इस कॉन्ट्रैक्ट से तो हम और भी गरीब होते जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपको ज्यादा सैलरी, वेकेशन, दो रूम वाला स्वीट और सब कुछ मिलेगा। दो रूम वाला स्वीट? हाँ, फिर मुझे भी अपना बेडरूम मिलेगा। ठीक है, तो आप कबीर के साथ सो जाना। कम इन।
ऑटोग्राफ प्लीज। प्रीति जी, कहाँ है मेरा कॉन्ट्रैक्ट जिस पर है आपका स्वीट स्वीट ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ तो नहीं, लेकिन हमने कुछ पैराग्राफ जरूर निकाले हैं। ये क्या है? मैं तो मुंह मीठा करने के लिए मिठाई भी लेकर आया था। हम मुंह मीठा तब करेंगे जब इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें कुछ फायदा होगा। ठीक है प्रीति जी, कैसा रहेगा अगर मैं आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस बढ़ा दूं तो? आपका सलून और स्पा का खर्चा कम हो जाएगा? हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। मेरा मतलब है कि हाँ, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। प्लीज करिएगा। अरे करण, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या तुम्हें पता है आजकल ब्यूटी पार्लर जाना कितना महंगा हो गया? सिर्फ थ्रेडिंग के 55 रुपए लग जाते हैं। मॉम मॉम मॉम, कहाँ आप इन हजारों में चिल्लर की बात कर रही हो? मुझे मानसिंह जी से बात तो करने दो, फिर आपको सैलून भी जाने मिलेगा, सैलरी भी बढ़ जाएगी और मुझे 10% कमीशन भी मिलेगा। अच्छा, लेकिन करण, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी बच्चे के हवाले थोड़ी ना कर सकती हूँ। मॉम, .1, मैं बच्चा नहीं हूँ, और मॉम .2, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर मानसिंह जी मेरी बात सुन लेंगे तो हम सबका फायदा होगा, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देना। वैसे ये बात तो ठीक है। ठीक है मिस्टर करण जायसवाल, आज से आप मेरे एजेंट। थैंक्स मैम, तो नेक्स्ट मीटिंग लंच पे। नहीं मॉम, सच्ची लंच टाइम हो गया है, भूख लगी है, खाना बना दो ना प्लीज। इस टेस्ला कॉइल को काम करने के लिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनानी होगी। यू, यू, यू। कभी आलू घड़ी में कुछ गड़बड़ है। वो तो दिख ही रहा है, तुम लोग आलू घड़ी बना रहे थे या आलू करी? अब प्लीज मेरी मदद करो ना। लेकिन वो सिर्फ मेरी मदद कर रहा है। मेरा पड़ाकू है, मेरा पड़ाकू है, मेरा है। नहीं, अरे छोड़ो, मैं पड़ाकू पहलवान नहीं। कम इन। प्रीति, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हैं? मेरे क्लाइंट के कुछ कंडीशंस है। प्रीति, ये क्या है? मानसिंह जी, करण को मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दिए हैं, अब वो मेरा एजेंट है। क्या? लेकिन प्रीति, काम की बात करें। मानसिंह जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि जब से मेरी क्लाइंट आपके होटल में काम करने आई है, तब से आपके होटल की प्रोडक्टिविटी 100 गुना बढ़ गई है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रीति एक होनहार वर्कर है। होनहार, एफिशिएंट और दिखने में भी ठीक ठाक। ठीक ठाक, मेरी क्लाइंट के वजह से आपके होटल में लोग बार बार आते हैं, जिसका मतलब है प्रॉफिट्स। एक मिनट, राजमहल में लोग इसलिए वापस आते हैं क्योंकि राजमहल एक शानदार होटल है। प्रीति तो एक ठीक ठाक वर्कर है। ठीक ठाक, अब हम काम की बात कर रहे हैं, अब डिस्टर्ब मत करो, आप बाहर जाके वेट करो। गुड आइडिया प्रीति जी, आप बाहर जाकर वेट करिए और ये कॉन्ट्रैक्ट हम बड़े संभालेंगे। प्लीज। तो डील पक्की? पक्की? तो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? वेकेशन टाइम। वेकेशन टाइम? कितना? जितना आपको चाहिए। जितना मुझे चाहिए मतलब? आपने नौकरी छोड़ दी। क्या? मैंने नौकरी छोड़ दी? मॉम, घबराओ मत, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। मानसिंह जी वापस आएंगे, आप पीछे मत देखना। मॉम, आपने पीछे देखा? पीछे नहीं तो। कबीर। रानी, ये मुझसे नहीं होगा। रानी, 2 वायर, 1 आलू और 1 क्लॉक, इससे ज्यादा इजी और क्या हो सकता है? कि तुम मेरा प्रोजेक्ट कर दो। कम ऑन कबीर, लाओ। कबीर। हाँ। मैंने HT कैपेसिटर को ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया जैसे कि तुमने कहा था, पर ये फिर भी नहीं चल रहा, अब कुछ करो। एक्सक्यूज मी, कबीर मेरी मदद कर रहा है। एक्सक्यूज मी, वो मेरी मदद भी कर रहा है। मैं उसे पैसे दे रही हूँ, मैं उसे पश्चिम पूरब के टिकट्स दे रही हूँ। पूरब पश्चिम जो भी है, ये पड़ाकू मेरी मदद कर रहा है। मेरी मेरी मेरी, मेरी। छोड़ो रानी, ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए। और बिनी, मुझे तुम्हारे टिकट्स नहीं चाहिए, मैं अपना असाइनमेंट करने जा रहा हूँ, बाय। अब हम क्या करें? मुझे क्या पता कि वाया मेरी है या तुम्हारी? मुझे क्या पता इसका क्या करना है? मुझे क्या पता, नहीं भी जोड़ दो। मुझे क्या पता?
ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज। यम्मी। एक और बार करते हैं टमाटर के साथ, शायद टमेटो सॉस बन जाए। करण वो एक मिनट मॉम, इम्पोर्टेंट कॉल है। हाँ बोल चिंटू। नहीं आज रात को लूडो खेलने नहीं आ सकता, थोड़ा बिजी हूँ, बाय। हाँ बोलो मॉम। करण दो दिन हो गए, मानसिंह जी ने मेरी नौकरी वापस करने के बारे में बात तक नहीं की है, जो बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स मॉम, डरो मत, मेरा सॉलिड प्लान 100% कामयाब होगा। अपने मानसिंह जी किसी और को थोड़ी ना रख लेंगे। एक्सक्यूज मी, असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यूज कहाँ हो रहे हैं? थैंक यू। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मॉम डोंट वरी, ये सब दिखावा है, आप वेट करो, वेट। अरे ये वेट करने के चक्कर में कहीं मैं लेट नहीं हो जाऊं? मुझ पे भरोसा करो मॉम, मैं आपका एजेंट हूँ। आप एजेंट है? तो मुझे एजेंट की कब से जरूरत थी? अब देखिए मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ। खुश तो बहुत हो गया तुम। करण खुश हुआ। ओह थैंक यू थैंक यू। ये लो मेरा कार्ड, सुबह को फोन मत करना, मैं स्कूल में थोड़ा बिजी होता हूँ। ओके। सुखी जी आप भी? एक्सक्यूज मी, हमें साइंस प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्राइज मिला है। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट प्राइज। क्या हुआ पढ़ाकू, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तुम दोनों की वजह से मुझे अपने असाइनमेंट में 7.5/10 मिला। 7/10 बहुत अच्छा रिजल्ट है कबीर। एक्सक्यूज मी, 7.5/10 पर मुझे आज तक 9 से कम मार्क्स कभी नहीं मिले। अब तुम दोनों खुश हो ना? हाँ, हमें ना साइंस प्रोजेक्ट में फर्स्ट प्राइज मिला है। फर्स्ट प्राइज? लेकिन तुम लोग का प्रोजेक्ट तो काम भी नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन जब हमने दोनों मशीन्स जोड़ दी तब वो फ्रेंच फ्राइज बनाने लगा। और मेरे डैडी के इन्वेस्टर दोस्त ने ना इसे हमसे खरीद भी लिया है, बहुत सारे पैसे देकर। बहुत सारे पैसे देकर? वाओ, तो इसका मतलब हम तीनों की मेहनत काम कर गई। तो इसमें से मेरा हिस्सा कितना हुआ? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हें हम दोनों से कुछ भी लेना देना नहीं है, और तुमने कहा था कि अपने पैसे अपने पास रखो, तो हम अपने रख लिए। आपने इतने दिन वेट किया ही है, तो फिर और वेट कर लो ना। करण, अगर मैंने मानसिंह जी के कॉन्ट्रैक्ट पर अब साइन नहीं किया ना, तो फिर मुझे रामू काका के ढाबे पर असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी लेनी पड़ेगी। मॉम, अपने एजेंट पर भरोसा करो, सबर का फल मीठा होता है। हाय प्रीति जी, सॉरी हमारी कई दिनों से बात नहीं हुई। वो क्या है कि मैं इंटरव्यूज लेने में बिजी था ना, अब आप तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही हो तो मुझे ही कुछ करना पड़ा। नहीं नहीं मानसिंह जी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं अक्षय लांबा, 7-स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल से। आपके बारे में बहुत सुना है, मेरे बॉस चाहते कि आप हमारे होटल में हमारे साथ काम करें। एक मिनट, पहले मैं इनसे बात कर रहा था। हाँ तो प्रीति जी, मैं क्या कह रहा था कि मैं आपको 5% हाइक दे सकता हूँ सैलरी में, और एक हफ्ते का वेकेशन भी। वाओ, 7-स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल, आपको पूरे 2 हफ्ते का वेकेशन पे 20% सैलरी हाइक। क्या? मानसिंह जी बोलो। प्रीति जी एक मिनट, मैं आपको 22% का सैलरी हाइक दे सकता हूँ। पूरा 1 महीना वेकेशन विद 3-बेडरूम सूट और आपकी सैलरी डबल। क्या? मुझे मंजूर है। मंजूर है? एक मिनट मानसिंह जी बोलो। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता, लगता है अब वो ललित रस्तोगी ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर बनेगा। लड़का नया है लेकिन मैं उसे सिखा दूंगा। बाय द वे प्रीति जी, ऑल द बेस्ट, हम आपको मिस करेंगे। थैंक यू मानसिंह जी। मॉम, ये आपने क्या किया? अपनी जिंदगी के बेस्ट जॉब ऑफर को हाँ कहा,
थैंक यू मिस्टर, इट्स ओके। आपकी मूछ बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी मूछें निकलती रहती है सेनोरिटा। आप राहुल, नाम तो सुना होगा, राहुल चोपड़ा, प्लीज टू मीट यू। करण, प्लीज मुझे कहो कि ये आदमी सेवन स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल से है। नहीं है, ये मेरा एक्टिंग क्लाइंट राहुल है। मैं तो बस ये चाहता था कि मानसिंह जी आपके कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से अच्छा बना दे। अरे तो मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं आपको बताता तो फिर आप ना कह देती और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता। और अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है क्या? मेरी एक्टिंग कैसी थी? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं जा रही हूँ मानसिंह जी के पास अपनी नौकरी वापस मांगने। मानसिंह जी! So, welcome to the hotel. मानसिंह जी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। देखिए प्रीति, सेवन स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल के ऑफर के बाद मैं आपको यहाँ नौकरी करने के लिए कैसे कहूँ? अपने मुंह से। देखिए, आपका दोस्त होने के नाते मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन आपको कहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। मानसिंह जी, हमें राजमहल होटल बहुत पसंद है और स्पेशली आप। वो आदमी सेवन स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल से नहीं था ना? नहीं, वो आदमी एक एक्टर था। मेरा बेटा मेंटल है। आप बहुत अच्छे हैं और मैं काम करने को तैयार हूँ। प्रीति देखिए, मुझे आपको यहाँ नौकरी पे रखने में बहुत खुशी होगी, लेकिन आपकी मांगे कुछ ज्यादा ही हैं। हाँ तो ठीक है ना, मैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के साथ ही काम चला लूंगी। ललित रस्तोगी को तो वो भी नहीं चाहिए, वो ब्यूटी पार्लर जाता ही नहीं है। क्या कहा? मुझे मिस्टर रस्तोगी कहकर बुलाओगे, समझे? लगता है आपके मिस्टर रस्तोगी ब्यूटी पार्लर नहीं लेकिन बॉक्सिंग पार्लर जरूर जाते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि इस साइन कर लेते हैं। हाँ, वरना मेरे सुखी जी से पूछना पड़ेगा। अच्छा, अब इतनी भी क्या जल्दी है मानसिंह जी? छोड़ो छोड़ो मैडम, मैडम मेरा कोट छोड़ो मैडम, छोड़ो मेरा। ठीक है, मुझे आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस मंजूर है। और एक हफ्ते की छुट्टी? ठीक है, वो भी मंजूर है। अब प्लीज साइन कीजिए ना। बच्चा हमेशा भूखा रहता है क्या? उसके फ्रेंड्स हमेशा आपसे स्नैक्स मांगते रहते हैं क्या? आप वो स्नैक्स बना बना के थक गए हैं? तो आपको चाहिए हमारा नया प्रोडक्ट, फटाफट फ्राइज। कुछ ही मिनटों में डिलीशियस फ्राइज तैयार। फटाफट फ्राइज। यम्मी और क्रिस्पी भी। हमारे पहले 100 कॉलर्स को मिलेंगे 2 किलो आलू फ्री फ्री फ्री। फटाफट फ्राइज से होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए फटाफट फ्राइज जिम्मेदार नहीं है। जल्दी से अपना फोन उठाइए और फटाफट हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फटाफट फ्राइज।